चमक है, क्या ग्लैमर है। आपके पर्सनालिटी के बारे में जो सुना था वो बहुत ही कम था। किसी की तारीफ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो हमें पसंद करेगा वो सम्मान भी करेगा, और जो पसंद नहीं करेगा वो हमसे दूर हो जाएगा। अरे यही है क्या वो राजा? अरे राजा मत बोल, अपना राजा भाई बोल। जो पैसे तुम्हारे बॉस को देने वाला था वो तुम्हें तुम का, जाओ काट डालो इसे। हाइलाइट सुनते मैंने चुप रहना चाहिए था। फैन बोल कर जो चिल्ला रहा था वो कहां पर है? पता नहीं भाई। आई, मैं इधर हूँ। ए, तू ऊपर क्या कर रहा है रे? भाई मैं आपके कटआउट को दूध का अभिषेक करा रहा हूँ भाई। लेकिन ये सब तूने क्यों किया? भाई ये कटआउट क्यों बनाया, उसे माला क्यों पहनाई, और दूध से इसका अभिषेक क्यों हो रहा है? ऐसे सवाल नहीं पूछते। हम अन्नदान भी करेंगे, रक्तदान भी करेंगे, सिंपल कटआउट के लिए ऐसे है तो दिल में मंदिर भी बनाएंगे। हाँ भाई ठीक है, आराम से नीचे उतरा मेरे भाई। हाँ अब ये सब ड्रामा मत कर मेरे सामने, बस बस। मैंने आपका शानदार डायलॉग देखा, जबरदस्त फाइट भी देखी, आंखों को मजा देने वाला एक स्टेप तो दिखा दो भाई। अरे नहीं यार। अरे भाई कम से कम अपने फैन का दिल तो रख लो। चल ठीक है। भाई मान गए, भाई मान गए। कला प्रेमियों, कला के पुजारी, कला पसंद करने वालों, कलाकारों सावधान, इसी जगह पर कुछ ही मिनटों में अभी आपके सामने गाना गाने के लिए आ रहे हैं, आप सबका दिल बहलाने के लिए हमारे राजा भाई। बजाओ। ए बजाओ रे। ऐ शाबाश, पार्टी ऑन, सोडा ऑन, सर्वर। ए जाते हैं। ये आंटी कौन है? शेखर के घर ब्याज के पैसे मांगने के लिए गया था, वो घर पर ताला लगाकर भाग गया। ये बुढ़िया वहां बैठी थी इसलिए मैं इसको उठा के ले आया। कैसा लगा? ए अगर ये बात मार्केट में गई तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। गुरु अगर तुम इतनी नरमी दिखाओगे तो धंधा चलाना मुश्किल होगा, फल खाना है तो पत्थर मारना ही पड़ेगा। अरे फोन आया। एक जूस लेके आना बेटा। ये शेखर क्या बोल रहा है जरा सुनो, लाउडस्पीकर में रख रहा हूँ। हाँ हेलो। ब्याज का पैसा चुका कर ये बुड्ढी को कभी यहाँ से ले जाएगा रे? अब नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बोरिया बिस्तर बांध के अपने गांव जा रहा हूँ मैं। पर ये बुढ़िया ब्याज के तौर पे तुम ही रख लो। बेवकूफ कहेगा। ये क्यों बकरा रहे तू? मेरी दादी है ना, सुबह सुबह नाश्ते में गरम इडली के साथ चिकन मांगेगी, दोपहर को बिरयानी के साथ बियर भी पूछेगी, शाम को क्वार्टर के साथ चिप्स दिया तो वो लेग पीस मांगेगी। उसकी पसंद का खाना खिला करके मैं काम करके थक चुका हूँ, भगवान के रूप में तुमने आकर मुझे बचा लिया। अरे भाई ऐसे वक्त में ये तुम क्या बोल रहे हो? राजकुमार की फिल्म देखने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई क्या? नहीं, तुम जितना भी इमोशनली बात कर लो, मेरी दादी मेरे साथ रहेगी तो मैं टेंशन से मर जाऊंगा। मेरी दादी को अपनी दादी समझकर अच्छे से देखभाल करना, समझे? रख रहे चिका, इसे ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है दादी। व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली,
वो सब मैं अभी नहीं सुनना चाहती। मैं जो बोल रही हूँ ले क्या, वन बिरयानी, वन बियर, वन क्वार्टर, वन चाप और मेरा फेवरेट चिकन लेग पीस। मेरी दादी माँ, चिकन लेग्स तो नहीं है, चिकन हैंड्स है। बुढ़िया तो हाथ दिखा रही है। वो सेठ का लड़का हमेशा ये मॉल में चार पांच लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरु, हमें तो किसी से भी नहीं मिला। गीता, ये बंधन धरती के लिए और ये जान तेरे लिए, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मैंने गीता को फोन किया है, वो आती होगी। वो नहीं आएगी, मैं मर रहा हूँ। गीता के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, बचाओ तुम लोग मुझे। संजय वेट्स गीता पार्ट टू। इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं टूटेगा और ये कूद के मरने का ड्रामा कर रहा है। संजू, वहीं पर रुको। ए, वहीं पर रुको। अगर मेरे पास आती तो मैं कूद के जान दे दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी यही रोड पे पड़ी रहेगी और तेरा ये थोबड़ा है ना, उस पे गाय घुसेगी। अब जाके खुद तू नरक में मरेगा। अब ये नहीं सब चाहता ना, तो चल नीचे उतर। वो लड़का नीचे गिर के तो नहीं मरेगा, वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों भाई? बचने के लिए। अच्छा, गीता आ गई क्या? गीता, अगर तुम नहीं मर रही तो मैं मर जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं तुमसे लव करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता, वहाँ खड़े रहे। बता। देखो मुझ में एक वीकनेस है। ए, मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है बताओ मुझे गीता। देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कबार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। ए, नो प्रॉब्लम। ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं, और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। ए, मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हाँ। वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरी तो, तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए, तेरे पास फट के चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया, तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का। मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक यू। इट्स ओके। गुरु, गुरु। अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु, उसने तुम्हें नहीं बोला, बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया। तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक सीखा है। सुनिए एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। Hey, I love you. फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है, तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है, ये सारी जिम्मेदारियां है उस पर। लव लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। दीदी आपके पैर को एक नमस्कार। माफ कीजिए। धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ फिर ठीक है, प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना। मैं भी लाइन में हूँ। डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूंगी, आप okay. जाइए बॉस से मिल लीजिए। अच्छा ये फाइल लेकर के जाना। एसएस के एक्सपोर्टर्स के मालिक सोमशेखर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। किसे मारना है बोलो? एसपी सूर्य प्रकाश को। मैटर क्या है? हमारे साहब के ऊपर उसने एक छोटा सा केस किया है, उस बात को लेकर एसपी हमारे साहब को बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा केस है? हमारे कारखाने में तीन लड़कियाँ काम करती थी, वो एक महीने से गायब है। गायब नहीं, तेरे मालिक ने उन तीनों का रेप किया और मर्डर कर दिया। एसपी की इंक्वायरी के दौरान अगर मैटर लीक हो गया तो तेरे मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। अब तुम मेरे पास आए हो, चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। तुम लोग भैरव फाइनेंस कंपनी में आए हो, अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास गिरवी रख देना। तुम लोग सारे रिकॉर्ड्स
अच्छे से बना के रखना, नए सिम कार्ड खरीद लेना, और तुमको नए नए नंबरों से कॉल आएंगे, उन सबको रिसीव कर लेना। किसी भी कारण से उस नंबर से किसी को भी फोन मत करना। ओके सर। ये अमाउंट मैं किसको दूं? फोन पे बताऊंगा। तुम लोग जाओ। सूर्य। हाँ भाई। एसपी सूर्य प्रकाश का पूरा डिटेल चाहिए हमें। ओके भाई। गोपी। बोलो भाई। एसपी सूर्य प्रकाश। ठीक है भाई। मनो। हाँ। अर्जेंट में एक सिम कार्ड खरीद और मुझको फोन। हाँ ठीक है भाई। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है। ऐसा क्यों? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके ना? बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4-4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा। वहाँ जाने के लिए तूने सेटिंग भी कर रखी। मुंह तोड़ूंगा तेरा। क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। ए पीसो रे। ए बस करो यार। ए तू जा यहाँ से। ए हट। पैसे टाइम पर देना। राजा तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय। आइए ना प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े।